ए मणि कहाँ रखा है? बोल बे। नहीं, नहीं, बोल मुख खोल बोल। ए सेठ बहुत खतरनाक आदमी है, वो मैं गोली मार देगा। बोल बे बोल। नहीं, बोल ना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बोल, तेरी आदत हम जानते हैं। बोल ना, बता दे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मारूंगा तो तेरा मुंह सूज जाएगा। अगर सेठ आ गया ना, तेरी मौत पक्की है। बोल दे। मुझे कुछ नहीं पता। बोल ना। नहीं पता मुझे। सच बता दे और भाग जा। समझा क्या? क्यों रे, इसने कुछ बोला क्या? आप भी है ना, ये तो मुंह ही नहीं खोल रहा है सेठ। अभी खोलेगा। मेरे पास काम करके मेरा ही सामान चुरा के मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने। ए मार इसे। क्या रे, बहुत चढ़ी है तुझमें? बताएगा कि नहीं? माल कहाँ है बोल जल्दी, वरना अभी ठोक दूंगा। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। जल्दी बता कहाँ है। बताता हूँ एड्रेस। एड्रेस बोल। नंबर 14 आयवाड़ा वासुमित्रा। सर, मैं उस आदमी को जानता हूँ, देख लूंगा। जाओ लेकर आओ उसे। आजा 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 आजा। साइड में लगाओ, साइड में लगाओ। ए यहाँ पे रुक, फूंक मार, चल चल निकल। ए रुक, फूंक मार, चल निकल निकल। कोर्ट में जाएगा तो तुझे 3,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पर अपने बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्हें जाके 1,000 रुपए दे दे। चल यहाँ साइड में, साइड में। हाँ इधर इधर। हाँ यहाँ पे आइए, यहाँ पे इधर इधर कोने में। ग्लास नीचे, फूंक मारिए। सर साथ में वो लड़की कौन है? कह रहा है कि गर्लफ्रेंड है और दोनों पिए हुए हैं। ठीक है सर। ए नीचे उतरो, सर बुला रहे हैं। उतरो, आप भी उतर जाइए। चलिए पिताजी। क्या हुआ बेटा? अरे पुलिस वाले मुझे रोक लिया, बात करो ना इनसे। उसे जरा फोन दो। सुनिए पिताजी, बात करेंगे आपसे। भाई बोलिए भाई। मेरे बेटे ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? पता नहीं है भाई, अभी मुझे छोटे भाई ने बताया। ठीक है उसे छोड़ दो। ए चलो, तुम दोनों गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ रहा हूँ ना, तुम इससे बात करो। चलो जल्दी जल्दी। अरे अभी बात की ना पिताजी से। बकवास बंद कर, बैठ जा। मुझे डर लग रहा है, घर पर पता चला तो प्रॉब्लम होगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले। ए फूंक मारो, ठीक से फूंक मारो। जाओ निकलो निकलो, चलो जाओ जाओ। क्या हुआ, मेरे बेटे को छोड़ा कि नहीं? तुम्हारे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? कौन हो तुम? हाँ मेट्रो पुलिस। सब ये रख लो ना। हाँ चलता हूँ। ठीक है ठीक है, निकल निकल। कौन हो तुम? पागलों की तरह बात कर रहे हो मुझसे? मेरे बेटे को अरेस्ट करोगे तुम? पीने को पानी, पहनने को ड्रेस, आने जाने के लिए गाड़ी, साथ में एक लड़के, इन सब चीजों के लिए खर्चा कर सकते हो। रास्ते में पुलिस वाला पकड़े तो उन्हें पैसा नहीं दे सकते। hey, मैं कौन हूँ जानते हो तुम? मैं क्या कर सकता हूँ पता है? हवलदार। हाँ सर। प्रेस को फोन कर और फोटोग्राफर को साथ आने के लिए बोल, और उन दोनों को गाड़ी के सामने खड़ा करके उनकी फोटो निकाल और अखबार में हेडलाइन में दे दे। ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ। क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ पैसे, ये लो। क्या गिर रहा है? ये ले हवलदार। ये सर छोड़ दो। ओके सर। Mm.
मुझे थोड़ी सी सुपर बाय कहाँ जॉगिंग क्या करते हो यार अंदर आना छोड़कर बाहर ही खड़े हो आओ अबे दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा ना बेल तो बजा सकते हो ना अबे आधा घंटा हो गया बेल बजाते बजाते अरे बाथरूम में था यार मुझे तो गाने की आवाज सुनाई दे रही थी गाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी मैं ही गा रहा था ढोलक की भी आवाज आ रही थी खाली बैठा था ना इसलिए मैं बजा भी रहा था ए बस बहुत हो गया तो कैसे आया इस घर के अंदर मैं तुझे कैसे लेके आया ये सारी बातें मुझे अच्छे से पता है हेलो भाई हां ये एड्रेस MGR की जगह चेन्नई ए इसे कोई एड्रेस कहता है क्या अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार जिसे भी दिखाता हूँ वो मुझे घूर घूर के चला जाता है आपका गांव मदुरई है ना तुम्हें कैसे पता वो क्या है किसी को सही एड्रेस पर पहुंचा देना ये मदुरई वाले ही कर सकते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन तू यहाँ पर घूमने के लिए आया किसी और काम के लिए आया क्या हुआ तेरी बोलती क्यों बंद हो गई चेन्नई जो भी आता है किसी न किसी वजह से आता है अब तेरी क्या वजह है मेरा एक क्लोज फ्रेंड है उसका नाम कुबेरन है उसे दुबई जाने के लिए मैंने पैसे अरेंज करके दिए थे तू विटनेस रहा होगा उधार देने वाला पीछा कर रहा होगा यही बात है ना वो नहीं भाई घर के सारे पेपर्स गिरवी रखकर उसे मैंने पैसे अरेंज करके दिए थे और ये पापा को पता चल गया अरे बाप रे देख भाई दोस्ती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं हाँ मदुरई वाले जो हो ना कुछ भी कर सकते हो इससे भी ज्यादा कर सकते हो अगली बार जब कभी भी मौका मिले तो मुझसे जरूर मिलके जाना ठीक है भाई भाई आपका घर इधर ही है अड़ियार फोर्थ एवेन्यू नंबर 10 लो आ गया अब संभल कर जाना ठीक है भाई थैंक्स चलता हूँ क्या बात है सर आपसे मिलने आपका भाई आया मेरा भाई आया हाँ सर भाई मैं हूँ भाई आप जाइए मैं बात कर लूँगा अंदर चल के बात करें भाई क्या बे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तू तो शाम को ही पहुंच गया प्रॉब्लम क्या है MGR के आश्रम में मुझे बंद कर दिया था भाई क्या बकवास कर रहा है ए वहां पर तो कोई गेट ही नहीं है भाई तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ अपने गुरु की जगह देखी बिना कोई जा सकता है इसलिए आज रात यहीं पे रुक कर जगह देख के कल गांव चला जाऊंगा पीगा क्या नहीं रहने दो डालकर पी ले तभी से तू यहाँ पर है और अभी तक नहीं गया MGR की समाधि देखना है बोला था अन्ना की समाधि देखना है बोला था विधानसभा देखना है बोला था है ना अभी बुलेट ट्रेन देखकर जाऊंगा बोल रहा है 6 महीने हो गए ऐसा लग नहीं रहा कि तू अच्छा इंसान है लेकिन कुछ खराबी भी नहीं है जा जाकर दूसरा कुछ काम कर समझा अब जाना ठीक है भाई हाँ भजन लाल मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ बोलिए ना भैया मेरे काम का क्या हुआ हो जाएगा भाई बस थोड़ा सा वेट करो थोड़ा वेट करो मेरा शिप चेन्नई आ रहा है कैप्टन को दे देना चला जाएगा ठीक है भैया आप बेफिक्र रहिए सुनो भजनलाल ये बात लीक नहीं होनी चाहिए और इस काम को भी थोड़ा संभाल कर करना ठीक है बिल्कुल भैया ओके हाँ भाई बैग हिफाजत से है ना हाँ भाई हिफाजत से उसे संभाल कर रखो 4 दिन के बाद शिप आएगा बैग को शिप में भेजना है ध्यान से ठीक है भाई मैं देख लेता हूँ क्यों बता कैसा लग रहा हूँ मैं लग रहा हूँ ना हीरो के माफिक बहुत सुपर लग रहे हो जच रहा है आप पे मैं ऑफिस जाकर आता हूँ ठीक है ठीक है
बहुत गंदा है। हाँ भाई, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बाथरूम में। फिर से बाथरूम में? अरे बाथरूम में ऐसा क्या है जो बार बार जा रहा है वहाँ पे? मैं नाश्ता ले जाना भूल गया हूँ, तो एक काम कर, अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस में आ जा नाश्ता लेके। भाई ज्यादा जल्दी है तो कॉल टैक्सी में आ जाऊँ क्या? भाई को चेन्नई का ट्रेन पसंद है। पैसे नहीं है क्या? मेरी शर्ट की जेब में चिल्लर पड़े हैं, वही पैसे लेके बस पकड़ के आ जा। ठीक है भाई। अचानक से उठ गए ना, इसलिए टक्कर हो गई। मेरा 100 रुपए का नोट नीचे गिर गया था, उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, और उसे ढूंढते ढूंढते मेरा सर आपसे टकरा गया। सॉरी। अरे क्या, अभी अगर पर्स या पैकेट गुम हो जाता है तो बस में या गाड़ी में ढूंढते हैं, और आप 100 रुपए रास्ते पर ढूंढ रही हैं। कहीं रास्ते के कोने में या साइड में गिर गए होंगे। आप जाओ, टेंशन मत लो। के लिए लड़की को हाथ से जाने मत दे। हेलो, वन मिनट, आप अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? स्कूटी बिना पेट्रोल के इसी रोड पर आगे खड़ी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सौ रुपए का डाल दो। क्यों 100 रुपए का? 50 रुपए बहुत हो जाएंगे। कोई बात नहीं। सेल्स कल शॉपर स्टॉप। आपका नाम क्या है? मैगी। मैगी महेश्वरी, शॉर्ट नेम मैगी। माँ बाप ने रखा हुआ नाम शॉर्ट करना आजकल का फैशन हो चुका है। मेरा नाम है मुरु। हाँ? मुरुगन, गांव मदुरई, कन्या राशि मोरपंख गोत्र, अष्ट नक्षत्र। अच्छा, पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? बस ऐसे ही। ये लो। थैंक यू सो मच सर, आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके पैसे वहीं आकर पहुंचा दूंगी। मैं तो एक दिन में 1000-2000 खर्च कर डालता हूँ, ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, मैं चलूँ। थैंक यू सो मच। सर, आप ऑफिस तक चलकर जा रहे हैं? चलकर जाना कोई गुनाह नहीं है, आलसी बनकर बैठे रहना ये गलत है। ऐसी बात नहीं है सर, एक दिन में 1000 रुपए खर्च करते हैं ना आप, तो कम से कम एक टू व्हीलर तो। अरे मुझे ट्रैफिक से एलर्जी है, इसलिए टू व्हीलर भी नहीं ली मैंने। तो फिर कार क्यों नहीं ले लेते? बुक की है और 2 दिन में आ जाएगी। तो आइए ना सर, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए। कहाँ जाना है सर? TCS जाना है। ओके। क्या सर, इतना डर क्यों रहे हैं? आजकल की लड़कियों को आंखों से दिखता ही कहाँ है, पावर ग्लास बैग में रखकर एकदम स्टाइल में कूलिंग ग्लास आंखों पर लगाकर बिना सोचे गाड़ी चलाती हैं। गए काम से। वैसे भी लड़कियां 2 पैर नीचे रखकर ब्रेक को भी पकड़ती हैं और एक्सीलेटर भी घुमाती हैं। आप कितने सालों से गाड़ी चला रही हैं? 6 साल से गाड़ी चला रही हूं सर। इसलिए इतना अच्छे से चला रही हैं। अच्छा, माथे पर बिंदी, कान में फैशनेबल बाली, हाथ में नए डिजाइन की चूड़ी और नाखून पर नेल पॉलिश, सब कुछ एकदम मैच मैच होना चाहिए। बस दिखावा करना है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल की नहीं पता नहीं। गाड़ी क्यों रोक दी? आपका ऑफिस आ गया इसीलिए। आ गया क्या? अब ठीक है, थैंक्स। बाँ, तेरी वजह से सुबह से भूखा मर रहा हूं मैं, चक्कर आने लगा है मुझे। ये तो कुबेरन जैसा लग रहा है। अरे ये तो वही है, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? Thank you.
हे कुबेरन, हाँ सिस्टर, एक आदमी चक्कर खाकर गिर गया था, उसे यहाँ एडमिट किया था, कहाँ है वो? आप उनके कौन लगते हैं? मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ, हम एक ही गांव के हैं। उसके बदन में चर्बी भरी है, इसलिए उसका बचना मुश्किल है। बापरे, मैं अंदर जाके देख सकता हूँ? हाँ, जा रहे हो तो जाते वक्त मटन बिरयानी भी लेकर जाओ, जाओ। चर्बी वाले इंसान को मटन बिरयानी? अरे वाह, अंडा। क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है। इस कमीने को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। गांव में सबको लगता है कि ये दुबई में है और यहाँ पर बैठे बैठे खाना खींच रहा है। दुबई? दुबई जाकर क्या करेगा ये? ज्यादा से ज्यादा बाथरूम साफ करेगा। मैं क्या करूं भाई, तुम्हारे पैसे मैंने यहाँ कर दे दिए थे, वो फ्रॉड निकलेंगे मुझे क्या पता, अब क्या होगा, पूरे पैसे गए। ये सब तो फ्लैशबैक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैसा गया तो गया, हम बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन तू तो गांव आ सकता है ना? अब मुझे गांव में जाकर क्या करना होगा? अभी तो क्या करने वाला है? रुक यार, सिस्टर, दो ब्रेड और अंडा मिलेगा तो हम लोग खाते खाते बात करेंगे। ये नहीं सुधर सकता। अबे क्या है ये? ये अलग सिस्टम से पिकअप कर रहे हैं भाई। सेटल होने का इरादा कर लिया है क्या? खाने के वादे चल रहे हैं, ऊपर से रोमांस अलग से। सर, सिस्टर ने देने के लिए बोला है। ठीक है ठीक है, कटलेस कहाँ है? कटलेस नीचे है। नीचे है? कहाँ है बे? वो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है रे। ए, इसे कहाँ से पकड़ा तूने? बताता हूँ, पहले मुझे अंडा खाने दो। पैसे वालों के कुत्ते गुम हो जाते हैं तो उसे ढूंढ कर देने वालों को इनाम मिलता है, ऐसा एक कमीने ने कहा था मुझसे, इसीलिए मैंने इसे चुरा लिया। क्यों बे? इसका खाना भी ऐसा ही है ना। ए, तू मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगा, समझाना। क्या बात है, आवाज ही नहीं आ रही है, फुल टू साइलेंट हो गया है, लगता है एकदम धक्का तक धकेलते जा रहा है। क्या देख रहे हो? यही है मेरा आशियाना, लोहे का किला। इसके अंदर मैं बब्बर शेर की तरह रहता हूँ। चलो अंदर आओ। एक मिनट रुको भाई, पहली बार हमारे घर में आ रहे हो ना, पहले दायां पैर अंदर रखो। ए, ये तुझे कुछ और नहीं लग रहा है? अरे तुम दायां पैर अंदर रखो ना। ये हॉल है, वो मास्टर बेडरूम है, कैसा है देखो। हाँ उधर किचन है भाई, कैसा लगा भाई? शेर की तरह जी रहा हूँ बोला था, लेकिन यहाँ तो लोमड़ी जैसा जी रहा है। हाँ? सरकारी है ना, भाड़ा नहीं देना पड़ता है, ऑनर की चिंता नहीं है, मैं ही राजा और मैं ही मंत्री, सुबह निकलता हूँ तो रात को ही आता हूँ। इस शहर में राजाओं का भी ऐसा घर होगा क्या? अच्छा भाई तुम कहाँ रुके हुए हो? अड़े यार, थ्री बेडरूम अपार्टमेंट है, सेंट्रलाइज एसी है, 1000 cc कार और टाइम टाइम पर ड्रेस है। वाह भाई। अबे वो मेरा नहीं है, फिर भी मैं वैसा ही जी रहा हूँ। इससे बेहतर तो मैं ही हूँ भाई। उस दिन तो तुम मुंह फेर कर चली गई थी, आज क्यों आई? नहीं वो आकर। जल्दी बोल, टाइम हो गया है। I love you, जी। जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं। हाँ, I love you too. अब चलूं क्या? भाई, पहली बार तुम मेरे एरिया में आए हो, ये लो मिठाई खाओ। अरे अपने कटलेस को खिला? वो ऐसी फालतू चीजें नहीं खाता है भाई। ए, सेठ, ये चाय का टोप तो चेंज नहीं करते, कम से कम अपनी बनियान तो चेंज कर दो, कितनी बदबू आ रही है। अच्छा भाई, तू जिस जगह पर रुका है उसके साथ ये कपड़ा मैच नहीं हो रहा है? भाई मेरी बिल्डिंग के सामने 4-5 सॉफ्टवेयर वाले रहते हैं, वो लोग डेली अपने कपड़े धोकर सुखाते हैं और मैं उसमें से एक पहन लेता हूँ। और संभल कर भाई, कहीं अटक मत जाना। सर आपकी टी। ए सेठ, तुमने अभी तक चाय बनानी नहीं सीखी क्या? ए भाई, तुम भी जल्दी से कुल्ली करके ग्लास उधर दे दो। ए,
इस चाय में क्या कमी है? ए भाई, चाय बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ओके ओके भाई, अपना ख्याल रखना। ए सेठ, दो चाय दो बर्फी। नहीं नहीं, एक चाय एक बर्फी। ₹10 हिसाब में लिख लेना। ए, ए, चलो कटलेस। ए, पैसा देकर जाओ, कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह। अग्नि, मैं इन्फॉर्मर राजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ खास बात करनी है। ठीक है बताओ। फोन पे नहीं बता सकता। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके। ये बहुत अच्छा है। ए, मैंने तुमसे कहा था ना, किसी ने मेरी मदद की थी। देखो वो लड़का वही है। कहाँ है? वो वहाँ खड़ा है ना, बेच कला की शॉप पहनकर। पर यहाँ क्यों आया होगा ये? और किस लिए आया होगा? ₹100 वसूल करने के लिए आया होगा। मैं यहाँ काम करती हूँ, उसे कैसे पता चला? आजकल के सब लड़के ना सूंघ कर पता लगा लेते हैं। चुप कर, उसे देख कर ऐसा नहीं लगता ना। जाकर हाय हेलो बोल, फिर पता चलेगा पैसे मांग रहा है कि नहीं। इधर आ, ये ₹100 देकर देख जा। सर, ₹100। वो क्यों? मुझे पहचाना नहीं सर। नहीं, वो ₹100 पेट्रोल पंप, आपने मेरी मदद की थी। पेट्रोल पंप? अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहीं पर काम करती हूँ। चलो अच्छी बात है। क्यों सर? मैं यहाँ परफ्यूम लेने आया था। आइए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सर पहले ये ले लीजिए। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसे आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता सर। रखती हो या फिर दूसरे दुकान में चला जाऊँ? ओह सर सर, सॉरी सॉरी सर, प्लीज कम सर। ये देखिए सर, ये नया एडिशन है। ये दिखने में सही नहीं लग रहा है, इसे जो भी चाहिए वो जल्दी देकर इसे यहाँ से भगा दे। तू हर किसी पर शक क्यों करती है? चुप कर। ये कौन है? फ्रेंड है क्या? क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं सर, वो मुझे देखा तो परचेज नहीं करूंगा ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो बात छोड़ो, परफ्यूम लगाओ तो पूरे एरिया में खुशबू आनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ। फिनाइल लगा लीजिए ना। क्या सर, ये न्यू एडिशन है एंड इट इज रियली वेरी नाइस। Good. Okay, I have one more. ये थोड़ा strong है पर बहुत अच्छा है। Really good. चेक कर लीजिए। ये भी new edition है, floral है। ये दोनों आप अपने हाथों में लगा कर दिखा सकती हो? Okay sir. गुड। दूसरा ये थोड़ा सा माइल्ड है। ओके, बट इट इज रियली वेरी वेरी नाइस। दिस वन, इसके और इसके बीच में और उसके बीच सर, में ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है सर। कल आ सकता है क्या? मेबी। ओके, अगर आए तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। बाय। क्या हुआ रे? कुछ नहीं, पैसा नहीं लिया।
वो इतना अच्छा है क्या? मैंने तो कहा था तू ही मानने को तैयार नहीं है। ठीक है चल छोड़। हाँ भाई टप्पा, यहाँ कैसे आए? ये देखो, मैं भी इस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ। हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग किया था ना, समझ के बात किया कर। हे, तुम जैसे लोगों से क्या बात करूँ, तुमने डिपार्टमेंट के लिए काम किया है ना। ये देख, अगर अपने डिपार्टमेंट में सर्वे किया कि सबसे बड़ा हफ्ताखोर कौन है, तो सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा, समझा ना। चलिए सब छोड़, मुद्दे की बात पर आता हूँ। डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो तूने मेरे लिए नहीं किया, डिपार्टमेंट के लिए किया है। उन लोगों को ये कहकर कि बहुत मेहनत करके पकड़ा है, ऐसा पेपर में छपवा कर उन्हें एक मेडल दिलवाकर मामले को वहीं पर खत्म कर देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूं, देखो इस बार बहुत बड़ी रकम की हेरा फेरी होने वाली है। अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो हमारे बीच में 50-50। ठीक है, मैटर बता। सिटी में जितनी भी डॉलर्स हैं वो एक सेट अपने पास जमा कर रहा है किसी एजेंट के जरिए, क्यों ये पता नहीं, लेकिन वहां से वो माल साहूकार पेट में भजन लाल के पास पहुंचेगा और उसका जो अमाउंट है वो कई करोड़ों का है। वो पक्का बाहर निकलेगा और हमें उसे पकड़ना है, यही मैटर है। डील अगर तुझे सही लगती है तो माल बांट लेंगे, ऐश करेंगे। ए, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है ना, 50 क्या है, 50 है, 60 रख ले तू। नहीं अग्नि, वो इंसाफ नहीं होता है। इस अग्नि का आधा, बाकी का माल मेरा। ओके है तो बोल। आग को तूने हवा दे दिया है ना, अब कैसे जलती है वो देख। कॉफी शॉप में जाना है, हाथ में पैसे नहीं है, तो रुक मैं बंदोबस्त करके आता हूँ। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते, ये लीजिए। ये ले, वजन कर। क्यों सेठ जी, आप तो एक ही जगह पर बैठे हो लेकिन पैसे और गहने बराबर आपको ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। अरे मेरे भाई, सब ऊपर वाले की माया है। वैसे सेठ जी, आपके पास तो बहुत ही पैसा है, तो ये गिरवी रखने का धंधा क्यों करते हो? स्टेट बैंक की तरह सेठ बैंक शुरू कर सकते हो। अरे भाई, बैंक से ज्यादा फायदा हमारे इस धंधे में है। क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग जो पेट काट काट कर पैसा जमा करते हो, उसी पैसे से सोना खरीदते हो, पर किस लिए खरीदते हो? जरूरत के वक्त गिरवी रखकर पैसा लेने के लिए। अगर हम लोग नहीं होंगे तो फिर इन गहनों का क्या फायदा होगा? क्या चाहिए सर? कुछ दिखाऊं सर? क्या दिखाऊं सर, कुछ लेंगे सर। ए, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मुरुगन। कौन से गांव का? मदुरई। तू उधर से इधर आकर के चैन चुराए हुए गिरवी रख रहा है? सर ये तो मेरी चैन है। बिल है क्या? बिल सर? सर इस दुकान का ओनर कौन है? मेरा भाई है सर। उसे यहाँ आने के लिए बोल। वो अभी नहीं आ सकता। क्या पुलिस यहाँ आने वाली, उसे पता चल गया क्या? सर ये मेरा कस्टमर है, सोना गिरवी रखने के लिए आया है। हाँ? अपने भाई को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल। ए हवलदार, इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर से गाड़ी में बैठाओ। और इसे? अरे इसको भी बैठा, इसको भी गाड़ी में बैठा, चल बे। जरा सेठ को फोन लगा करता हूँ। सेठ अपने आप आ जाएगा पुलिस स्टेशन। बोल बोल, कहाँ है माल? बोल बोल, माल कहाँ रखा? पता 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 है, तू ही रात में तू ही गया था ना उस तरफ, तेरे पास ही माल होगा उस इलाके में, रात में तू ही गया था ना। तेरे को क्यों लाया इन्होंने सर? पता नहीं, मुझे और मेरे कस्टमर को उठाकर यहाँ पर ले आए भैया। इंस्पेक्टर कौन है? ए कौन है तू? आई एम एडवोकेट सुरेश। क्या जुर्म किया इन्होंने? दिन दहाड़े अड़ियार गांव में किसी की चैन खींची है और इसके दुकान में गिरवी रखने गया था ये। हवलदार जी साहब, मारना रोक यार। ओके सर। सर हमारी दुकान में ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फिर हम लोग जबरदस्ती इस पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? ए, चेन इधर है, डॉलर का है। सर उसमें डॉलर नहीं था। सर उसमें डॉलर था, मुझे पता है। सर क्या है आखिर आप चाहते क्या है? हाँ डॉलर चाहिए, चेन लो,
डॉलर दे दो, मैं तुम्हारे आदमी छोड़ दूंगा। क्या हुआ सेठ, ज्यादा मत सोच नहीं तो सोने का भाव बढ़ जाएगा। ए ये ले। सॉरी भाई, चलो। यहाँ क्यों लेकर आए थे तुम्हें? उनका आपस में कोई मसला था, फोकट में मुझे यहाँ लेकर आ गए। फालतू में टेंशन, रुक मैं फाइन भर के आता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, क्यों फोकट में वापस जा रहे हो? लगता है तुम सब कुछ बता दोगे। चलो यहाँ से। अरे छोड़ ना, चलो ना, चलो चलो, एक कटले चल। हाय, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। बैठिए ना। मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो ना। हमारे घर में मैं अकेली लड़की हूँ और सबकी लाडली भी। सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ मेरी पसंद का हो। हमारी मुलाकात हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे नहीं नहीं, तुम्हें और गलत समझो। ये लीजिए। ये कौन है, आपका भाई है क्या? हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूल्हा चुना। दूल्हा? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, टाइमिंग परफेक्ट था। हाँ बिल्कुल, मैंने भी वही सोचा था। मुझे पता था कि आप इस फोटो को देखकर बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तेरी की। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आपकी ही कंपनी में काम करते हैं। क्या कहा, मेरी कंपनी में? हाँ TCS में, आप भी तो वही काम करते हैं ना? वो मैं, तुम अपनी बात बताओ ना। इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स चाहिए थी। जब मैं आपको पहली बार मिली थी ना, तभी समझ गई थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी और से अगर ऐसे बात करती तो दूसरे ही दिन आई लव यू कह दिया होता। क्या कहा तुमने? पर आई लव यू ना कहकर आपने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाया है। अभी क्या है, ये आदमी कैसा है, ये क्या करता है, ये पता करना है, है ना? हाँ यही पता करना है। चलो ठीक है, बाय। राजा एक एक टुकड़ा दे देना। अरे देना देना, अरे देना, अरे देना यार। क्या यार? हाँ मुझे पेट में भूख लगी है और तुझे दिल में दर्द हो रहा है। हम दोनों को छोड़कर ये मोटा चिकन लॉलीपॉप कैसे दबा रहा है देखना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उससे पहले मैं मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका चेहरा देख के वो शर्मा जाती है। कम से कम वो हड्डी तो देना। हड्डी पे तेरा हक नहीं है, उसको भी चबा जाएगा, अचार की तरह निगल जाएगा उसे भी। छे, इसके पास खाना मांगने से अच्छा है 10 गली में भीख मांगकर खाना खा के सो जाऊं। छे, मैं जाकर अपना बंदोबस्त कहीं और ही देखता हूँ। भाई ये सब कहानी सोचकर परेशान मत हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ब्रेन यूज करो। क्या ब्रेन? जब उसने मुंह खोला तो तुम्हें भी बोल देना चाहिए। बोला नहीं ना, बोला नहीं। वो तो तुम्हें अच्छा इंसान बोल रहे थे। इस जमाने में अच्छा इंसान बनकर आए हो तुम। करेक्ट करेक्ट। मौका मिला तो हर इंसान गलत होता है, उसके पास कोई माइनस पॉइंट होगा, वही तुम्हारे लिए प्लस है। हाँ
एक्सरसाइज भी कुछ अलग ही है, पता नहीं कैसे मैनेज करता है। ए भाई, तुम्हारा शरीर ऐसा है क्या? देखो उसने अपने शरीर को कैसा फिट रखा है। यही बताने के लिए मुझे सुबह सुबह उठाया गया? तो एक काम करूं क्या, लकड़े से मारकर इसका सर खोल दूं क्या? अबे ऐसे कैसे सर खोल देगा तू, पागल हो गया क्या? जरा चुपचाप रह। तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? ये इस खंभे की ऐसी हालत कर रहा है, अगर इसे मिल गई ना। अबे चुप रह। ये क्या हो रहा है? हेलो, वार्म अप कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? वार्म अप कर रहे हैं, संभल के संभल के। ये ऐसे क्यों हिल रहा है? सर, आपका डांस बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा भाई। हेलो, देखो आदमी सुबह सुबह व्यायाम एक्सरसाइज योगा इसलिए करता है कि ताकि उसे शुद्ध हवा मिल सके, और तुम यहाँ पर गुप गुप करके सिगरेट का धुआं छोड़ोगे तो सामने वाले को परेशानी होगी ना। ये सब पीना गलत है। क्यों सर, गलत है क्या? अरे ऐसे क्या पूछ रहे हो तुम। अच्छा सुनो, एक स्वस्थ आदमी का हार्ट जो होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। जब आदमी जॉगिंग वॉकिंग करता है तो हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ऐसे में सिगरेट का धुआं आ गया तो हार्ट अटैक आदमी को आ सकता है। डॉक्टर की पढ़ाई किया क्या? किताबें पढ़ी है मैंने। सर, अब जरा ये पकड़ो। हेलो, मैंने तुम्हें पीने के लिए मना किया और तुम मुझे दे रहे हो ये? सर एक मिनट तो पकड़ो ना। हाँ बोलो। सर, मेरी मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी इन सब ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपकी बात मैं जरूर सुनूंगा। वेरी गुड। अरे आप इसको छोड़िए, फेंकिए सर, इसको भी फेंकता हूं। सर 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 सर, आप दम नहीं मारते ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक बार मार के दिखाइए ना। अरे मैंने बताया ना मैं नहीं मारता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन सुपरस्टार दम मारेगा तो वो अलग स्टाइल होती है। इतना ही क्यों सर, अपने फेवरेट हीरो की भी दम मारने की स्टाइल होती है। वैसे सर आपकी अपनी दम मारने की कोई स्टाइल हो तो बताइए। मतलब तुम्हें मेरा स्टाइल देखना है क्या? एक मिनट। हाँ ओके ओके। अरे भाई जल्दी अपना मोबाइल निकालना। दलाई वाल सुपरस्टार, इन लोगों से भी बढ़के कोई स्टाइल दिखाना होगा मुझे। हाँ सही है। सुपर सुपर, दिखाइए दिखाइए। अब बढ़िया। हाँ सुपर सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी स्टाइल है सर। एक बार और करके दिखाइए, जरा दिखाइए दिखाइए। हाँ सर सर सर, बस और नहीं, बस हो गया। हाँ मैम, सीक्रेट। एक दिन में 3 पैकेट सिगरेट फूंकता है ये लड़का, और एक दम के साथ साथ 1 कप चाय पीता है। क्या हाल होगा इसके शरीर का? पर उसके पापा ने कहा था कि उसे कोई बुरी आदत नहीं है। ओ तो ऐसा। अरे अरे धीरे बात करो। मैंने ही उसे दम मारने के लिए कहा और उसकी फोटो निकाल कर तुम्हें दिखा रहा हूँ, कुछ भी बोलती हो। ओहो सर, पर मैंने ऐसा थोड़ी कहा। एक बात कहूँ, दूल्हा मुझे पसंद नहीं है, शादी को रोक दो। पर क्यों? अरे वो आदमी चेन स्मोकर है। आजकल कौन स्मोक नहीं करता। In fact, smoking is manliness. और वैसे भी मम्मी डैडी की पसंद का है, मैं शादी के बाद सुधार दूंगी उसे, टेंशन मत लो। अरे बाप रे। भाई क्यों इतने टेंशन में हो? अरे पूरी मेहनत खराब हो गई। आजकल लड़कियां ही ज्यादा स्मोक करती हैं। वो जाकर बड़ा मैटर बताएगा तो ऐसे ही सुनना पड़ेगा, और यही अगर लड़की शराबी हो तो पूरी फैमिली का सर झुक जाएगा। वो और पिएगा। तमिलनाडु में फैमिली से ज्यादा पीने वाले हैं, इसीलिए जगह जगह पर चाय कॉफी और जूस की दुकानें भी हैं और वाइन शॉप भी खुले हुए हैं। अबे वो दूध भी नहीं पीता होगा। पीने वाले लोग 4 टाइप के होते हैं। पहले सोशल ड्रिंकर, जब सब लोग पीने बैठते हैं तब उनके की होल से झांकना नहीं चाहिए, महफिल में बैठकर पीने वाले। दूसरे ओकेजनल ड्रिंकर, दीपावली पोंगल जैसे विशेष त्योहार के दिन खाने पीने वाले लोग। तीसरे पिंक ड्रिंकर, 3 महीने लगातार जमकर पीते हैं और 3 महीने एकदम शांत रहते हैं। चौथे फुल टाइम ड्रिंकर, दुकान के पास ही खड़े रहकर पीने वाले लोग। वैसे ही ये भी उन्हीं में से कोई एक आदमी होगा, यकीन करो। आज की तारीख में नहाने वालों से ज्यादा पीने वाले लोग हैं। हेलो मैम, ये देखिए, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। पीता भी है क्या? हाँ और क्या, पूरे हफ्ते भर ऑफिस की टेंशन रहती है, अब थकावट दूर करने के लिए तो पिएगा ही ना। मेंटली रिलैक्स होने के लिए पीना बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान सही है तो ठीक है। ये सब फैशन वाली फैमिली के लिए शूट कर सकती है। चुपचाप अपना सिर घुमा लो, उसे उसके साथ शादी करने दो। अरे तू भी ना यार, ये प्यार है भाई, ऐसी फालतू की चीजें इसमें नहीं चलती।
सही बात है भाई, ना तो रंग है ना ढंग है। हाँ वो डबल ढोलकी लगती है। क्या मतलब? उसका जो हीरो है ना, शायद उसमें कुछ गलती हो। ओ अच्छा। सही बात है भाई, ऐसे आदमी को दिमाग से नहीं हटाना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए। अरे ठीक से मुंह खोलो ना। बराबर डाला मेरा शो ना। अरे तुम्हारे मुंह में तो लड्डू भी चला जाएगा, कितना बड़ा मुंह है तुम्हारा। इतने खूबसूरत बीच पर एक बुढ़िया को लाकर चने खिला रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए हमें ये सब सहन करना पड़ रहा है। ए, मैं अभी आया। अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। अरे मैं भी आऊँ क्या? क्या है रे? कुछ नहीं, वो दिख रहा है ना। अरे कितना तेज तेज खाती हैं आप। मैंने जैसा कहा वैसा कर दो। इतना जल्दी जल्दी खाओगे तो आदमी भिखारी हो जाएगा। बचपन से ऐसी हो गया चाची। लगता है इसे नहाने की बहुत जल्दी है। अरे वो नहाने नहीं, जान देने जा रही है। जा जल्दी जाकर उसे बचा। रुको रुको ए रुको, मरना मत। सुनो सुनो सुनो, क्या कर रहा है तू? क्या अपराध है? रुको मैं आ रहा हूँ। अरे जान मत दो, रुक जाओ। अरे सुनो रुक जाओ। अरे आजा, मर जाओ। अरे जान मत दो अपनी। अब उसका फोटो खींचो। अरे चलो यहाँ से बाहर चलो, पानी से बाहर चलो। मैं तुम्हें बचा लिया। उसे बचाने के लिए भेजा तो वो उसके साथ खेलने ही लग गया। फंस गया मैं। चलो बाहर चलो। अरे मैं मर जाऊंगा ऐसे। क्या कर रही है आप? मेरा हाथ छोड़िए। रोमांस कर रहा है ना? अच्छा अटक गया। क्या बात है? कोई भी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई सौतन आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात क्या है बताओ तो। आप जैसी हो आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो करना है सोच समझ के करना। पैसों की हीरा फेरी हो रही है। एम्बुलेंस में आ रहा है। TN046514। अब देख ये सही वक्त है, अगर मिस हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तेरा प्लान क्या है? गाड़ी आ रही है, उठ जल्दी कुछ कर। गाड़ी नजदीक आ गई है। अरे उठ जल्दी कुछ कर वरना गाड़ी निकल जाएगी। जल्दी बता क्या करना है। प्लीज कुछ बताइए सर, इसके पीछे किसका हाथ है? जाके अंदर देख, बैग है क्या? आपको इस बारे में तो क्या पता चल पाया है? देखिए लाश के पास ना आईडी कार्ड मिला है ना कोई फोन नंबर मिला है। हमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, एम्बुलेंस यहाँ पर आती ही होगी। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम प्रेस को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है? हम इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर जो भी मुजरिम है वो सलाखों के पीछे जरूर होगा। पाए गए खून को हमने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भेज दिया है।
बैग अंदर नहीं है भाई, और आदमी के स्पॉट पर मौत हो गई। जाके पूछ कि वो लाश किसकी है। ठीक है भाई, मुझे सारी डिटेल चाहिए इसकी। हमें इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी मिले तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ए जी, सिंगल पट साड़ी पुलिस स्टेशन के बाजू वाली दुकान में सेल में मिल रही है ऐसा मैंने सुना है। वो साड़ी मुझे दिलवा दीजिए ना जी। ये लीजिए। अरे सिंगल पट की कितनी कीमत है तुझे पता है? मैं तुझे दिला दूंगा। था वो उस दिन मुझे अंदर डाला था ना, वही इंस्पेक्टर था। उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, मैंने फाइन मार दिया। ये क्यों लाए भाई? अरे उस दिन भी तो तूने मुझे फाइन भरने नहीं दिया था, और आज उसने अपने काटलेश को भी मारा। और मैंने उस पे फाइन मार दिया। क्यों काटलेश? क्या है? तूने उसकी गाड़ी पे सुसु किया इसलिए तुझे लात मारी ना। ये देख उसका बैग, इस पे जितना सुसु करना है कर ले। हां, इसमें से तो फॉरेन करेंसी की खुशबू आ रही है। मार ले। किस करने की जगह पिस करने को बोल रहे हो? इस बैग को कटलेस भी नहीं छू रहा है और तुम इसे उठा कर ले आए हो। ये लो। अरे ए, ये मुझे क्यों दे रहा है? ले तू ही रख अपने पास। आ, मुझे क्यों दे रहे हो भाई? ये लो पकड़। अरे इसे फेंक देता हूं। बैग, बैग कहाँ गया? बैग, मेरे बैग दिखाए क्या? नहीं। किसी ने मेरे बैग दिखाए क्या? नहीं, मेरे बैग दिखाए? किसी ने मेरे बैग दिखाए क्या? ए, 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 ए कटलेश, ये बैग तो फिर से क्यों उठा कर लाया? हाथ में अलाउद्दीन का चिराग रखकर लुक्खे के जैसा घूम रहे हो तुम लोग। ए, ये कभी कोई गलत काम नहीं करता, इसमें जरूर कोई बात है। ये भी पुलिस वाले के जैसा ही बात कर रहा है।
जल्दी से खोल के देखना। ये क्या है? पेपर की गड्डी है बेवकूफ। क्या है जरा दिखा। अरे ये तो डॉलर है। डॉलर? इसमें तो भगवान की फोटो है। ए पागल हाँ? ये तो अमेरिकन डॉलर है। भगवान का डॉलर होता तो मैं गले में पहन लेता। मैं इसका क्या करूंगा, ये लो। ये तो बहुत बड़ा वाला बेवकूफ निकला। अगर हम एक बंडल को कैश करेंगे तो अपने यहाँ का 6 लाख रुपया होता है। 6 लाख? अरे मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएगा। तो फिर इस पूरे बैग का? अभी तू मुकेश और मैं अनिल। ऐसी बात है? अरे वो बहुत पैसे वाले हैं ना। ए भाई, अगर ये उसने किसी अच्छे काम के लिए रखा होगा तो? अरे वो पुलिस वाला बहुत बड़ा कमीना है। वो इतने डॉलर्स अपने पास रखा है, मतलब पक्का ये कोई गलत काम का पैसा है। लक्ष्मी हमें ढूंढते हुए आई है यार, क्या करना है? मिट्टी में दबा देंगे। आज पहली बार इसे काम करते हुए देख रहा हूं, पसीना निकल रहा है। कटलेस, हमारे आने तक इसकी हिफाजत ध्यान से करना, ठीक है? समझ गए ना? निकलो। चलो भाई, मैं देख लूंगा सब कुछ। ए, आज तो कम से कम मेरे लिए बिरयानी लेकर आना। हे, क्या चाहिए सर? भाई जरा वो फोन दिखाइए। अच्छा, ये वाला क्या? अभी फोन क्यों ले रहे हो? पैसे कहाँ हैं? अरे भाई, ये सारी बातें थोड़ी आइडिया से पूछनी पड़ती हैं। अचानक नहीं पूछना चाहिए। सर ये है नया मॉडल। कितने का है? सर ये 13,500 का है, जो चार्जर फ्री है। बाहर आओ। भाई जरा कस्टमर आया है। सेट का नोट कोई चेंज करवाने आएगा तो तू कमीशन के चक्कर में उल्टा सीधा मत कर देना। कोई अगर यहाँ नोट चेंज करवाने आता ना तो सेठ के कान में जाकर बोलने का। ठीक है भाई। कमीशन के चक्कर में अपनी मौत मत बुला लेना। सेठ को पता चला तो तुझे छोड़ेगा नहीं। भाई 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 मैं सब समझता हूँ भाई, अभी धंधे के टाइम में भाई। क्या तेरा धंधा? भाई पैसे वाले ढूंढने लगे हैं, लगता है बदली नहीं कर पाएंगे। यहाँ चेंज नहीं कर सके तो क्या हुआ, दूसरी जगह तो है। कहाँ? सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं जो पार्टी बोला था ना ये वही है। आओ। कौन सा करेंसी है? US डॉलर्स। डिनोमिनेशंस क्या है? हंड्रेड्स। कितने बंडल हैं? 50-60 बंडल है। अरे बस एक ही बंडल है। नोट बहुत नया दिख रहा है। हाँ अभी उसे साबुन से धोकर लाए हैं। अभी चुप रहना। 6 लाख रुपया है, अगर और भी हैं तो लेकर आओ, पैसा पूरा कैश दे दूंगा। करना है बता। अब करने का क्या है भाई, सारे पैसों को बदली करा लेंगे और गाँव जाएंगे। हम दोनों के पिताजी भी खुश हो जाएंगे। हम दोनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तुम 5 एकड़, मैं 5 एकड़, दोनों जमीन लेकर। अरे ये तो पुलिस स्टेशन है। सर, वेलकम सर। गया क्या? घर गया ना? हमारा टाइम देखा ना?
ये चाय वाला भी आज हमारे ऊपर हंस रहा है। अबे इसको छोड़, अपन अच्छे खासे लफड़े में आ गए और ये सब तेरी वजह से हो गया। क्या भाई तुम मुझे बोल रहे हो? मैंने वहां छुपाने के लिए बोला तो तुमने भी यहां बोला था ना? सेफ जगह है, यहां छुपाओ तो कोई नहीं आएगा, ऐसा तूने ही बोला था ना? अब क्या करेंगे? घर पे जाके उल्टा होके सो जाते हैं। क्या देख रहे हो तुम लोग? ए, बंद करो टीवी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। ए, कहाँ? पैसे निकालने। अबे बैंक जाकर चेक देकर पैसे निकालने की बात कर रहा है? वो पुलिस स्टेशन है, गोली मार देंगे। 500 चेंज है क्या? डॉलर में है, दूं क्या? भाई सुनो, क्या है? आपको क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है, कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ऑर्डर लेटर लेके आया हूं। यही इंफॉर्मेशन देने आया हो क्या? जाओ यहां से। वो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। 4 दिन हो गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। घर के अंदर ही बैठे हैं, सिर्फ पीते जा रहे हैं, कोई कुछ कहता है तो चिढ़ते हैं। मैं चलता हूँ। ठीक है, घबरा मत, मैं देख लूंगा। सेठ, उसके पास पैसा नहीं है, ये एकदम कन्फर्म है। तो फिर गया कहाँ? अब मुर्गन, हाय, मैं यूटर्न लेके आती हूँ। हाँ। चला गया। काम पर नहीं गई? सॉरी, किसी भी तरह वो बातें तुम्हें पता चल गई होंगी। उस दिन तुमने अकेले में बात करने बुलाया था तो मुझे लगा प्यार की बातें होंगी, मैं गलत सोच बैठा था। मेरा प्यार सक्सेस नहीं हो पाया तो मैंने तुम्हें गलत बता दिया। उस दिन तुम दोनों को मैंने स्टोर में देखा था तो तुम दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगा। मेरा प्लान तो फेल हो गया, ये सोच के मैं वहां से निकल गया। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि एक लड़की चाहे तो इंसान को सुधार सकती है, और ये बात तुमने सच में साबित ही कर दी। तुम बहुत अच्छी हो और वो भी बहुत अच्छा आदमी है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी।
उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, वो तो चाय पीना भी गलत समझता है। दोनों की शादी कब है? क्या पूछा तुमने? शादी कब है ये पूछा। जल्दी ही होगी। क्या भाई सुबह सुबह पी रहे हो? एकदम टॉर्चर है यार, क्यों प्यार के चक्कर में मर रहा है। वाह वाह, ये तो अपनी बिरादरी का लग रहा है। फौरन शादी कर लो बोल बोल के परेशान कर दिया है। कोई लड़की बोलेगी तो तुरंत शादी कर लो, वरना कोई और ले जाएगा उसे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। ये भी एक दुखी आत्मा है, जब भी देखो नेगेटिव ही बोलता रहता है। हेलो। हेलो मुर्गन, मैं महेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। तुम जल्दी से निकलकर रेमी मॉल के शॉपर स्टॉप में आ सकते हो? हाँ आता हूँ। भाई एक जरूरी काम है, मैं फौरन चल के आता हूँ। अरे सुन तू रुक, मैं आता हूँ, और ज्यादा पीना मत। हाँ बोलो। हेलो कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। सुनो सुनो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? शादी का कार्ड देने के लिए बुलाया। शादी का कार्ड? ये वाली शर्ट अच्छी लग रही है ना। क्या कहा तुमने? ये शर्ट अच्छी लग रही है ना, ऐसा कहा। क्यों, इनविटेशन कार्ड दोगी तो मैं चला जाऊंगा, बहुत काम है मुझे। क्या काम है? अरे एक अर्जेंट काम है मुझे। और ये वाली पहनकर कैसी लगेगी? पीछे मुड़ो ना। हेलो, ये सब किस लिए? दूल्हा पहनकर अच्छा लगे इसलिए तुम्हारे ऊपर लगा कर इसे चेक कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक्स, मेरी शादी में जरूर आना। क्या ये कैसे लग रहा है? क्या बे, अपना भविष्य देख रहा है क्या? नहीं भाई, शराब जिंदगी बर्बाद कर देती है लिखा है। हाँ तो उसमें नया क्या है? नहीं समझा। शराब फैमिली को बर्बाद कर देती है। तो हमारे लिए नहीं है। कहना क्या जाता है? हमारी फैमिली ही नहीं है ना। एक्सीलेंट, सुपर जोक, सुपर। ये इतने गुस्से में कहां से आ रहा है? हाँ? ए, और एक फुल बॉटल है। ए, पानी तो मिला। क्या हुआ, इतने गुस्से में आकर पी रहे हो? कुछ लफड़ा हुआ क्या? मुझे गुस्सा मत दिला। ये क्या है भाई, तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड है क्या? देख तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। शादी का निमंत्रण पत्र, सभी मेहमानों का स्वागत है। गणपति लक्ष्मी दुर्गा के आशीर्वाद से शुभ कार्य मंगलमय हो। आने वाले शुक्रवार को चेन्नई बड़ा पल्लनी में टी वेंकटेश्वर पट्टियूर गांव के निवासी दुरई स्वामी, उनकी पत्नी कन्नमाल, चेन्नई विलियम वाकम गली के टी कृष्णन, उनकी बेटी। अरे तो वही लड़की है। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों फाड़ रहा उसे? अरे वो शादी करने जा रही है, कमीना दूल्हा। और सालन दू? नहीं चाहिए माँ। क्या हुआ बेटी, आज तुम खाने के लिए माँ को मना कर रही हो? खाना खराब बनाया क्या? तुम कहो तो कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं पापा, भूख नहीं है। Thank you.
बोलो ना। अभी कहाँ हो तुम? घर पर। अभी बीच रिसोर्ट पर मिल सकती हो? हे हाय, आओ ना अंदर आओ। आज यहाँ कुछ स्पेशल है क्या? उधर देखो। क्या है उधर? अरे यहाँ सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अगले हफ्ते तुम्हारी इसके साथ शादी है और अभी यहाँ पर ये दूसरी लड़की के साथ आइसक्रीम ठूस रहा है। ये सब करते हुए उसे शर्म भी नहीं आती? मैं उसको, अरे कहाँ जा रही हो? सुनो तो सही, अरे देखो तो उसकी हरकतें, अरे उसको पूछोगे नहीं क्या? तुम भी ना यार, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ने वाला है और तुम, वो जिससे शादी करने वाला है उसे आइसक्रीम खिला रहा है, उससे हमें क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने उसे ना, हम दोनों को साथ देखा था ना, उसके बाद क्या हुआ पता है तुम्हें? बाय द वे पवित्रा, ये है महेश्वरी। तुमसे पहले मैंने इसे पसंद किया था। हाय, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपकी शादी इनसे हो रही है। अरे कार्ड तो निकालो। ये लीजिए हमारा मैरिज इनविटेशन कार्ड, और आप दोनों को आना है। देखो भूलना मत, तुम दोनों को आना है। हाँ वही शादी का कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि तुमने वो शादी का कार्ड एक बार खोलकर देखा भी नहीं। अरे वो तो मैंने नशे में फाड़ कर फेंक दिया। उद्धू कहीं के। हाँ बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया सर। क्या? उसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये कौन लोग हैं? अपनी दुकान में जो चेन का लफड़ा हुआ था ना सेठ, ये वही लड़का है, और छोटा वाला उसका दोस्त है। पुलिस स्टेशन के पास देखा था मैंने। ये अभी कहाँ होगा? इसे कैसे ढूंढेंगे हम? भैया इसका एड्रेस मेरे पास है। भैया हेलो, कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? क्या कर रहे हो? अभी तो मैं जिम में हूँ। मुझे पता है तुम सो रहे हो, झूठ मत बोलो मुझसे। ए शैतान, जान लोगी क्या? ए कल क्या कहा था, सब भूल गए क्या? क्या बोला था? कहा था ना पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, घर पर वेट कर रहे हैं वो। क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो तुम? ठीक है ज्यादा बको मत, तुम्हारे फोन रखने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। बाय। उसके भरोसे बैठी रही तो पूरा दिन निकाल देगा, अच्छा होगा कि मैं ही वहां चली जाऊं। हाँ मैं तुम्हारे घर के सामने। हेलो कौन है? महेश्वरी, महेश्वरी, बचाओ महेश्वरी, महेश्वरी क्या हुआ? महेश्वरी, महेश्वरी, महेश्वरी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बर्गर, महेश्वरी, महेश्वरी डोर खुल नहीं रहा है, अंदर का लॉक खोलो। खोल सकती महेश्वरी, अरे खोलने की कोशिश करो। सुनो सुनो, अंदर का लॉक खोलो जल्दी, ट्राई करो। उठ बे, उठ।
है पैसा? जहाँ छुपाया था वहाँ पुलिस स्टेशन बन चुका है। पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, रखा तो तूने है ना, लेकर आ। ए, टोकन देकर गाड़ी लाने की बात कर रहा है, तू ही जमा जाकर ले ले। ए, उसे हाथ मत लगाना, निकल। ए, छोड़ उसे। ए, उसे कुछ मत कहना। छोड़ दो मुझे। टोक दो इसे। बोल। ए, ए। चुपचाप पैसा वापस कर दे और इसे लेकर जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुर्गन। चलो रे। मुर्गन। क्यों भाई, कुछ काम बनेगा क्या? नहीं सर, आज तो कुछ भी नहीं बनेगा। अरे यार, तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? सर, सब कुछ तो आपके सामने ही है, देखिए ना। हाँ ठीक है, समझता हूँ मैं। ए, रुक। क्या हुआ सर? ए, कहाँ से आ रहा है तू? फिल्म देख कर आ रहा हूँ। टिकट कहाँ है? नहीं है। चल निकल। सर, इसको अंदर डालें क्या? अरे यही बहुत है, जिसे पकड़ा है उसे अंदर डाल। ठीक है सर। उषमा सर, कहाँ हो तुम? क्या सर, यही ड्यूटी पर हो? अच्छा है, हम दोनों के लिए खास ड्यूटी है सर। अच्छा एक काम करो, अपने ड्यूटी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। हाँ hey, कौन सा केस है? चोरी का केस है साहब। hey, चलो चलो अंदर चलो, सब चलो, 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 चल। अरे जा रहे, चलो लाइन में जाओ। हाँ जा रहे, लाइन में जाकर बैठो सब लोग, चलो जल्दी। Hey, जाओ उधर जाकर बैठो। हाँ जा रहे हैं। चुपचाप शांति से बैठो, फालतू बकवास मत करना, समझे? मैं गरीब औरत हूँ, ये सुधरता नहीं है, इसे अंदर डाल दीजिए। हाँ हाँ डाल देंगे, आप चुप हो जाइए। साहब आपको बहुत दुआ मिलेगी, इस आदमी से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, हर रात को परेशान करता है मुझे। छोटे मोटे झगड़े के लिए आप इसे थाने में मत लेकर आया करिए, आप क्या चाहती है मैं इसे जेल में डाल दूँ? सर मैं बताऊँ क्या? दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे साहब मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ साहब, ये गाल खींचता है, हाथ पकड़ता है, लेकिन मेरे नहीं बाजू वाली के साहब। तू ऐसी हरकतें करता है? क्या नाम है तेरा? कट्टरू। चटनी बना दूंगा तेरी, उस कोने में जाकर बैठ, समझा ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। ए रोना बंद कर, चल उधर। ए बस बंद कर, चल। ए अंदर कहाँ जा रहा है? उधर इंस्पेक्टर का रूम है, पीछे की ओर जा। नाम क्या है तेरा? गणेश सर। करता क्या तू? ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो चलाता है? मेरे दोस्त का ऑटो है सर। उसके अलावा क्या करता है? कुछ नहीं साहब। चोरी किसने की है? मैंने नहीं की साहब, सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा साहब। सच बता नहीं तो बहुत मारूंगा। कसम सच बोल रहा हूँ साहब। सर उषमा आती हूँ, जल्दी से आओ उषमा। हे भगवान कैसे लोग हैं। बैर कहाँ है? कहाँ है बैर? मुझे नहीं पता सब, सब मुझे नहीं पता साहब। जब तक ना बता मारो, चल बता किधर है बैग, बोल तेरी तो सब बोल। सब लोग बहुत खुश हो ना? इस एरिया की जितनी भी फाइल है लेकर के आओ। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या है? चुपचाप बैठो, साहब अभी सुन लेंगे। अरे सर बीबी का झगड़ा होता ही रहता है।
ये कैसी आवाज है? एक गुंडा है सर, झूठी केस में मुझे अंदर डाल दो बोलकर ऐसा परेशान करके रखा है। उसे अंदर भेज दो। ओके सर। सर क्या बात है? मेरे को अंदर जेल में डाल दो साहब, किसी भी मर्डर केस में फंसा के मेरे को अंदर डाल दो साहब, ताकि मेरे एरिया में मेरा भी नाम हो जाए साहब। इधर आ, थोड़ा नजदीक आ। सर नजदीक आऊंगा तो आप मुझे मारोगे? मारूंगा नहीं। आ तो। नाम क्या है तेरा? नाम करने के लिए तो मेरे को अपने एरिया में गुंडा बनना है साहब। गुंडा बनकर आना है क्या? जावे। एक भी रॉबरी केस नहीं है इसमें। वो अलग फाइल में है सर। जाओ लेकर के आओ। ओके सर। ये रही वो फाइल। हाँ? रॉबरी फाइल सर। अब इसकी जरूरत नहीं, इसे वहीं रखाओ। ओके सर। एक काम करो, ये फाइल को अंदर रख दो वापस। नमस्ते सर। जबरदस्त कुत्ता है वो। कौन सी ब्रीड का है सर? किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो तू पाल रहा है उसी कुत्ते के बारे में बोल रहा हूँ। वो मेरा नहीं है सर, कुबेरन का है वो। कुबेरन? वो कौन है? ये पुलिस स्टेशन बनने से पहले वो यहीं रहता था। यहाँ रहता था? हाँ सर, काम धंधा नहीं था, उसका घर बार भी नहीं था, इसलिए वो यहीं रहता था। वो अकेला रहता था फिर, या उसके साथ कोई और भी? वो अकेला ही रहता था सर, अभी अभी उसका कोई दोस्त उसे मिला, वो दोनों साथ साथ घूमते हैं सर। सर कोई गलती हुई क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही पूछा। तू जा। चलता हूँ सर। हाँ क्या बात है? एक मदद चाहिए। क्यों? बेहोश करने वाली दवा चाहिए। मना मत करना प्लीज, सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए। चलता हूं। अब फिर कब मिलोगे? बहुत जल्दी। जल्दी आना। हाँ
साहब कॉफी। ए, मैंने जो बोला तो बोला है कि नहीं? अभी लाया साहब। थोड़ा छिपा के लाने का ना, कोई देख लिया तो? ठीक है अब चल निकल ले निकल ले। ए, सुना नहीं क्या तूने? जाने के लिए बोला। ठीक है साहब। अब मेरा काम हो जाएगा। हाँ? वो गया क्या? चल निकल बाहर। हो गया क्या? वहाँ एक लेडी कांस्टेबल भी है यार, वो छूट गई ना। गलती कर दी ना। अरे ये कहाँ से टपक गया? उषा सर। उषा माँ। आती हूँ सर। आ जाओ। ठीक है सर। ए, खाली फुकट में हंसो मत। अरे डार्लिंग। ए, तू यहाँ पर कैसे? मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों? मैं गली के डॉगीज को खाना देती हूँ ना, इसलिए। तू क्यों ऐसा काम करती है रे? अरे पागल, वो तुम्हारे बारे में ही कह रहे थे। ओ, ऐसा है क्या? अपनी तो इज्जत ही उतनी है, दूसरा क्या करने का प्लान है? अब तुम्हें ही मुझे जिंदगी भर संभालना होगा। एक तो सुबह से भूखा मर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, उसके ऊपर से इसे अपने साथ रखकर जिंदगी भर संभालने को बोल रही है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, ये सब तो मेरे लिए मामूली सी बातें हैं। हेलो सर, इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। अरे मेरी इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर। इंस्पेक्टर वहाँ नहीं है क्या? वो घर चला गया है सर। जैसे ही आए उसे बोलो कि मुझे फोन करे। हाँ ठीक है सर, मैं उसको ये बता दूंगा। ठीक है सर, रखता हूँ। चलो इसे इसमें डाल देता हूँ, सब ढक। हाँ ढक देते हैं जल्दी।
पागल 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 कर दिया तुमने मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझे पागल समझने लगे हैं। ए, ये सब अंदर रख। पैसों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें पैसे मिलते हैं हम खर्चा कर देते हैं। और इतना बड़ा रिस्क मैंने क्यों उठाया ये जानते हो? क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मुसीबत में है। तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? ये सच कह रहा है। सेठ ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तू सूंघते हुए हमारे पीछे आएगा हमें पता था, इसीलिए हम लोगों ने आधे पैसे कुत्ते के साथ भेज दिए। चाहिए तो बैग खोलकर देख ले। अगर बैग के साथ जाओगे तो काम हो जाएगा, इसलिए सोचो और फैसला कर लो। कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ है? पहले लड़की को बचाओ। पहले मुझे बता। पहले लड़की को बचाओ। पैसा लाने को बोला तो साथ में पुलिस लेकर आया तू? रुक जा, हट, दिखाता हूँ तुझे। हे, बाहर चल, बाहर निकल। आओ, जल्दी, जूली। तू ठीक है? जूली। हाँ? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे उतरने का टाइम आ गया है। संभल कर। उस तरफ चले। बैग लेके आ जा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तुमने रिस्क उठाया और मजे ये लोग लेंगे। चल आ जा, आ जा, आ जा। ये इंसान है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुम लोग उसकी सही से हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन अब मेरे पास एक और जिंदगी है। क्या तुम भी ये बातें उन लोगों को सुना रहे हो? सुनाना जरूरी होता है। अब ये सारे डॉलर्स को ले जाकर एक पढ़े लिखे आदमी को देकर मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो वहीं पर मिल लेना। और जूली, अमेरिका में 12 महीने ठंडा मौसम रहता है। चलो चले। ओके डैडी। अरे रुक जा। ए, रुको। ए, कटलेश, ए, कटलेश। ए, रुक जा। अरे कटलेश, रुक जा। कटलेश, रुक जा। अरे वो